नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक शेखर है। मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पल्स हॉस्पिटल रांची में कार्यरत हूँ। आजकल अक्सर एक बहुत कॉमन फाइंडिंग देखी जा रही है अल्ट्रासाउंड में, वो है फैटी लीवर। जितने भी लोगों का हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाते हैं, जो हमारे पास अपाचन की शिकायत लेके आते हैं या फिर कोई और पेट संबंधित शिकायत लेके आते हैं, अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में फैटी लीवर आता है। तो आइए समझते हैं कि ये फैटी लीवर है क्या चीज। फैटी लीवर का मतलब है लीवर में फैट घुसना। तो अगर एक बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु है, तो उसके लीवर में भी फैट है, परंतु वह फैट 5% से कम होता है और वो नॉर्मल फैट कहलाता है। 5% से अधिक फैट फैटी लीवर की परिभाषा में आता है। अब ये फैटी लीवर को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, Grade 1, Grade 2, Grade 3। Grade 1 में 5% से लेकर 33%, Grade 2 में 33% से लेकर 66% और Grade 3 में मोर देन 66% होता है। जब लीवर की कोशिकाओं में फैट घुस जाता है, तो वो लीवर की जो कोशिकाओं का जो नॉर्मल बायोकेमिकल फंक्शन है, उसको वो हैम्पर करता है, उसमें अवरोधन पैदा करता है। इसकी वजह से हमें पेट की अनेक बीमारियां हो सकती हैं, हमारे लीवर एंजाइम्स एबनॉर्मल हो सकते हैं, हमें जॉन्डिस तक हो सकती है। फैटी लीवर आजकल के जीवन परिस्थितियों में हमारे फूड हैबिट्स पे डिपेंडेंट है, हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। एक्सेसिव स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ आउटसाइड फूड्स, एक्सेसिव ईटिंग ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, यही इनके कारण है। लेस वर्क, लेस वर्कआउट के कारण से बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है, ओबेसिटी होती है और लीवर में फैट एक्यूमुलेट होता है, फैटी लीवर कहलाता है। फैटी लीवर होने के बाद ये लीवर के अंदर सूजन क्रिएट करता है, जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, या फिर और अच्छी परिभाषा में स्टीएटो हेपेटाइटिस कहते हैं। स्टीएटो का मतलब फैट, हेपेटाइटिस का मतलब लीवर की सूजन। स्टीएटो हेपेटाइटिस होने के बाद कुछ समय के बाद लीवर में रेशे पड़ते हैं, जिसको हम लोग लीवर फाइब्रोसिस कहते हैं। और लीवर में रेशे पड़ने के बाद अंततोगत्वा लीवर सिरोटिक हो जाता है, जो एक एंड स्टेज लीवर डिजीज है। तो लीवर की खराबी केवल शराब पीने से या हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से नहीं, बल्कि फैट से भी हो सकती है। तो इसे हमें कैप्चर करना है, इसे हमें समझना है। तो इसका जो हमारे खाद्य तंत्र पे जो इफेक्ट पड़ता है, अक्सर वो अपाचन की शिकायत लेके आते हैं, कभी जॉन्डिस की शिकायत होती है और इस प्रकार की शिकायतों से वो ग्रसित रहते हैं। इन लोगों में कभी कभार लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल पाई जाती है। मोस्टली ये लोग डायबिटिक होते हैं और एबनॉर्मल फूड हैबिट की वजह से लीवर में फैट एक्यूमुलेट होता है। इसको समझना और इसको चेकमेट करना इसलिए जरूरी है, आने वाले समय पे स्टीएटो हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा कॉज बन रहा है फॉर सिरोटिक लीवर एंड लीवर ट्रांसप्लांट। इसकी जो चेकमेट के तरीके बहुत सिंपल हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए, वर्कआउट करिए, गुड फूड खाइए और गुड लाइफस्टाइल को अपनाइए। एज अ डॉक्टर हमें प्रिवेंशन को पहले महत्व रखना है रादर की क्योर को। फैटी लीवर जिनको डायग्नोज होता है उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। अगर कोई अबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो लिपिड प्रोफाइल करनी होती है, बाकी टेस्ट करने होते हैं, उसके कारण को देखना होता है और उसके कारण को ठीक करना पड़ता है। एक छोटी सी बीमारी है जिसको अगर चेकमेट ना किया जाए तो शायद ये बहुत बड़ा विकराल रूप अपनाएगी आपके जीवन में और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही समझता हूँ कि एक गुड लाइफस्टाइल, गुड फूडिंग हैबिट्स इज ऑलवेज बेटर प्रिवेंशन देन ऑलवेज अ क्योर। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।